वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले इस RS1 सेट टॉप बॉक्स के बारे में। तो इसका मैंने अनबॉक्सिंग का वीडियो पहले डाल दिए थे, इसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज मिलता है यहाँ पे देख लीजिए। एक सेट टॉप बॉक्स, एक रिमोट, एक HDMI केबल और एक पावर अडैप्टर। तो आज के इस वीडियो में हम देने वाले इस सेट टॉप बॉक्स के लिए हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर। तो वीडियो पूरा देखते जाइए और कैसे अपग्रेड करना है वो भी हम बताएंगे आज के इस वीडियो में। ये जो RS1 का सेट टॉप बॉक्स है, इसका ओरिजिनल जो सॉफ्टवेयर है उसका मेनू का इंटरफेस कुछ इस तरह है। तो अब इस सेट टॉप बॉक्स में हम करेंगे हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर अपग्रेड। तो सबसे पहले यहाँ पे USB से एक बार देख लेते, जैसे कि यहाँ पे हमने ये सॉफ्टवेयर रखे हेलो बॉक्स का flash.bin नाम से। अब यहाँ से एक बार स्टार्ट करते, तो यहाँ पे आया चूज अ रॉन्ग फाइल प्लीज चेक, तो इस तरह मैसेज आ रहा है। तो हमारा सॉफ्टवेयर इस तरह यहाँ से अपग्रेड नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम एक बार यूबूट मेथड से भी ट्राई कर रहे हैं। यूबूट मेथड मतलब है आपको बॉक्स को बंद करना है और जैसे ही दोबारा चालू करेंगे रिमोट से मेनू का बटन बार बार प्रेस करना है। तो हम इसको अभी बंद कर रहे हैं, यूबूट से भी देख लेते हैं ये इसमें सॉफ्टवेयर होता है कि नहीं होता है। तो बंद कर दिए हमने, अब दोबारा पावर दिए और रिमोट से मेनू का बटन बार बार प्रेस कर रहे। तो उससे भी कुछ नहीं हुआ, ये बॉक्स सीधा ऑन हो रहा है। हम दोबारा एक बार कोशिश कर रहे हैं, रिमोट से मेनू का बटन प्रेस कर रहे हैं बंद करके, लेकिन ये सीधा ऑन हो जा रहा है। मतलब इस सेट टॉप बॉक्स में यूबूट मेथड से भी इसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं हो रहा है और ना ही यहाँ से हो रहा है। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसमें अभी एक ही तरीका बचा है, वो है इसका flash IC निकाल के इसके अंदर डायरेक्ट प्रोग्रामर से इसके अंदर सॉफ्टवेयर डाल देना। तो अब हम वही करते हैं, इसका flash IC निकाल के इसके अंदर डायरेक्ट हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर डाल देते हैं। तो ये RS1 का सेट टॉप बॉक्स में इसका हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर करने के लिए इसका जो flash IC है या यहाँ पे था ये वाला flash IC जिसको हमने निकाल ली। अब इस flash IC में हम प्रोग्रामर के थ्रू इसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड करेंगे, हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर डालेंगे, फिर इसको ऑन करके देखते हैं इसमें हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर वर्क करता है कि नहीं करता है। तो दोस्तों, हमने जो flash IC निकाले थे उसको सॉफ्टवेयर करके दोबारा इस सेट टॉप बॉक्स में बैठा दिए हैं और इसको ऑन भी कर लिए हैं। और आपको दिखा देता हूँ कि ये हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर हो चुका है और इसका अभी ये QR कोड आ चुका है। आप यहाँ पे इसका जो QR कोड है वो डालेंगे तो ये बॉक्स ऑन हो जाएगा। तो इसका जो QR कोड हमें मिला है वो एक बार इंटर करते, 623051 ये है इसका L कोड। और यहाँ पे जैसे इंटर करते ये हम आ चुके हैं हेलो बॉक्स का मेनू में। तो दोस्तों, इस बॉक्स में हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर तो हमने कर दिया, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये आप घर पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर किसी के पास ये IC निकाल के प्रोग्राम करना इम्पॉसिबल है। हर कोई इस तरह नहीं कर सकते कि IC निकाल के उसके अंदर प्रोग्रामर के थ्रू सॉफ्टवेयर डाले। मेरे पास इस सेट टॉप बॉक्स के लिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं था जिसमें हम USB से इसको हेलो बॉक्स को अपग्रेड कर सके, तो इसीलिए हमने इस तरह आपको करके दिखाए और इस तरह कर सकते। जो दोस्त हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर करना चाहते तो इस तरह कर सकते, क्योंकि मैंने भी कोशिश किए थे USB से अपग्रेड करने के लिए, लेकिन USB से अपग्रेड नहीं हो रहा है, जिसके कारण ही हमने इस तरह इसमें हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर अपग्रेड किए हैं। और हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर में अगर जानना चाहते तो क्या क्या मिलता है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा देखा देता हूँ। यहाँ पे आपका SCAM मिलता है, SCAM प्लस 1 साल के लिए, और यहाँ पे YouTube मिलता है और IPTV मिलता है लाइफ टाइम के लिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास RS1 का सेट टॉप बॉक्स है और अगर उसमें आप हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर नहीं कर पा रहे तो इस तरह कर सकते। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे तो हमारे एड्रेस पे भेज सकते उसको करवाने के लिए, हम भी आपको करके दे देंगे। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे वीडियो के ऊपर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और जो फ्रेंड हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो पूरा देखने के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।